अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम तुला बरकातु। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि इबादत में मतलब जितना हमें बताया गया है उतना ही करना है, तो मेरा सवाल सदकतुल फित्र के ताल्लुक से है। तो मतलब सदकतुल फित्र जितना मतलब देने को कहा गया है एक साथ, तो हमें उतना ही देना है या उससे ज्यादा भी हम दे सकते हैं? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलल्लाह। बहन, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इबादत के मामले में शरीयत ने जितना हमें करने के लिए कहा है हमें उतना ही करना है, क्योंकि इबादत तौकीफी होती है। तौकीफी का मतलब यही है कि हमें उसी हद पर रुक जाना है जो हद शरीयत ने बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन। ये इबादत के बारे में है कि अगर किसी ने दीन के अंदर कोई ऐसा ऐसा काम किया, ऐसी चीज का इजाफा किया जो दीन का हिस्सा नहीं है, तो मरदूद है। तो ये कायदा और ये उसूल अपनी जगह पर मुसल्लम है इबादात के सिलसिले में। अब इसी पर आपका सवाल है कि अगर ज़कातुल फित्र हमें एक सा देने के लिए कहा गया है, अगर हम एक सा से ज्यादा देते हैं तो क्या दे सकते हैं कि नहीं? देखिए, अगर हम एक सा से ज्यादा देते हैं तो एक सा तो उसमें आया ही, प्लस हमने जो ज्यादा दिया वो हमारी तरफ से नफली सदका है। एक सा से तो हमारी वाजिब जो जकात है वो अदा हो गई, और जो हमने ज्यादा दिया वो ज्यादती हमारी तरफ से नफली और माली सदका है। तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादती नहीं कहते हैं। हाँ, अगर कोई आदमी ये सोचे कि जकातुल फित्र एक सा है, मैं जकातुल फित्र 1.5 सा दूंगा और शरीयत में 1.5 सा देना है, या मिन बाबिल एहतियात में 1.5 सा दूंगा, तो ये गलत है। लेकिन जब वो ये जानता है कि ये जो एक सा है ये जकातुल फित्र है और एक सा से ऊपर जो है मैं मदद कर रहा हूं, मैं सदका दे रहा हूं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आपकी नीयत जकातुल फित्र की एक सा की होनी चाहिए, जो उससे ऊपर है वो आप गोया कि नफली सदका दे रहे हैं।